नमस्कार। आज का हमारा यह वीडियो लेखिका फरहाना ताज की पुस्तक वेद वृक्ष की छांव तले का एक अंश है। मीराबाई चानू की कहानी है ये। उस समय उसकी उम्र 10 साल थी। इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकचिंग गांव में गरीब परिवार में जन्मी और 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई चानू अपने से 4 साल बड़े भाई सेखोम सांतोबा मीतेई के साथ पास की पहाड़ी पर लकड़ी बीनने जाती थी। एक दिन उसका भाई लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पाया, लेकिन मीराबाई ने उसे आसानी से उठा लिया और वह उसे लगभग 2 किलोमीटर दूर अपने घर तक ले आई। शाम को पड़ोस के घर मीराबाई चानू टीवी देखने गई तो वहां जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उसकी माँ बोली, बेटी आज यदि हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर उठा के ना लाना पड़ता। बैलगाड़ी कितने रुपए की आती है माँ? मीराबाई ने पूछा। इतने पैसों की कि जितने हम कभी जिंदगी भर में देख ना पाएंगे। मगर क्यों नहीं देख पाएंगे? क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता? कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने के लिए पैसा कमाने का, चानू ने पूछा। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, तू तो लड़कों से भी अधिक वजन उठा लेती है, यदि वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन जरूर भारी भारी वजन उठाकर खेल में सोना जीतकर उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी खरीद सकती है। अच्छी बात है, मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी खरीदूंगी, उसने आत्मविश्वास के साथ कहा। उसने वजन उठाने वाले खेल के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन उसके गांव में वेटलिफ्टिंग सेंटर नहीं था, इसलिए उसने रोज ट्रेन से 60 किलोमीटर का सफर तय करने की सोची। शुरुआत उन्होंने इम्फाल के खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की। एक दिन उसकी रेल लेट हो गई। रात का समय हो गया। शहर में उसका कोई ठिकाना ना था, उसे कोई जानता ना था। उसने सोचा कि किसी मंदिर में शरण ले लेगी और कल अभ्यास करके फिर अगले दिन शाम को गांव चली जाएगी। एक अधूरा निर्माण हुआ भवन उसने देखा, जिस पर आर्य समाज मंदिर लिखा हुआ था। वह उसमें चली गई। वहां उसे एक पुरोहित मिला, जिसे उसने बाबा कहकर पुकारा और रात को रुकने के लिए शरण मांगी। बेटी, मैं आपको शरण नहीं दे सकता, यह मंदिर है और यहाँ एक ही कमरे पर छत है जिसमें मैं सोता हूँ। दूसरे कमरे पर छत अभी डली नहीं है, एंगल पड़ गई हैं, पत्थर की सिल्लियाँ आई पड़ी हैं, लेकिन पैसे खत्म हो गए हैं, तुम कहीं और शरण ले लो। मैं रात में कहाँ जाऊँगी बाबा, मीराबाई आगे बोली, मुझे बिन छत के कमरे में ही रहने की इजाज़त दे दो। अच्छी बात है, जैसी तेरी मर्जी, बाबा ने कहा। वह उस कमरे में माटी एक तरफ करके उसके ऊपर ही सो गई। अभी कमरे में फर्श तो डला नहीं था, जब छत नहीं थी तो फर्श कहाँ से होता भला। लेकिन रात के समय बूंदाबांदी शुरू हो गई और उसकी आंख खुल गई। मीराबाई ने छत की ओर देखा, दीवारों पर ऊपर लोहे की एंगल लगी हुई थी, लेकिन सिल्लियां तो नीचे थी। आधा अधूरा जीना भी बना हुआ था। उसने नीचे से पत्थर की सिल्लियां उठाई और ऊपर एंगल पर जाकर रख दी और फिर थोड़ी ही देर में दर्जनों सिल्लियां ऊपर की दीवारों के ऊपर लगी एंगल पर रखते हुए कमरे को छाप दिया। उसके बाद वहां एक बरसाती पन्नी पड़ी थी। वह सिल्लियों पर डालकर नीचे से फावड़ा और तसला उठाकर मिट्टी भर भर कर ऊपर छत पर सिल्लियों पर डाल दी। इस प्रकार मीराबाई ने छत तैयार कर दी। बारिश तेज हो गई और वह अपने कमरे में आ गई। अब उसे भीगने का डर न था, क्योंकि उसने उस कमरे की छत खुद ही बना डाली थी।
अगले दिन बाबा को जब सुबह पता चला कि मीराबाई ने कमरे की छत डाल दी तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने उसे मंदिर में हमेशा के लिए शरण दे दी ताकि वह खेल की तैयारी वहीं रहकर कर सके, क्योंकि वहां से खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निकट था। बाबा उसके लिए खुद चावल तैयार करके खिलाते और मीराबाई ने कक्षों को गाय के गोबर और पीली माटी से लीप कर सुंदर बना दिया था। समय मिलने पर बाबा उसे एक किताब थमा देते जिसे वह पढ़कर सुनाया करती और उस किताब से उसने अंदर धर्म के प्रति उसकी आस्था को जगाया और इसके साथ में उसकी देशभक्ति जाग उठी। इसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। लोहे की बार खरीदना परिवार के लिए भारी था। मानसिक रूप से परेशान हो उठी मीराबाई ने जब अपनी यह समस्या बाबा को बताई तो बाबा बोले, बेटी चिंता ना करो, शाम तक आओगी तो बार तैयार मिलेगा। वह शाम तक आई तो बाबा ने बांस की बार बनाकर तैयार कर दी ताकि वह अभ्यास कर सके। बाबा ने उनकी भेंट कुंजू रानी से करवाई। उन दिनों मणिपुर की महिला वेट लिफ्टर कुंजू रानी देवी स्टार थी और एंथेस ओलंपिक में खेलने गई थी। इसके बाद तो मीराबाई ने कुंजू रानी को अपना आदर्श मान लिया और कुंजू रानी ने बाबा के आग्रह पर इसकी हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठाया। जिस कुंजू रानी को देखकर मीरा के मन में विश्व चैंपियन का बनने का सपना जागा था, अपनी उसी आइडियल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने वर्ष 2016 में तोड़ा, वह भी 192 किलोग्राम वजन उठाकर। 2017 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप आनाहाइम कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में उसे भाग लेने का अवसर मिला। मुकाबले से पहले एक सहबोज में उसे भाग लेना पड़ा। सहबोज में अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति ने देखा कि मीराबाई को उसके सामने ही पुराने बर्तनों में चावल परोसा गया, जबकि सब होटल के शानदार बर्तनों में शाही भोजन का लुत्फ ले रहे थे। राष्ट्रपति ने प्रश्न किया, इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों परोसा गया? क्या हमारा देश इतना गरीब है कि एक लड़की के लिए बर्तन कम पड़ गए, या फिर इससे के साथ भेदभाव किया जा रहा है? क्या यह अछूत है? नहीं महामहिम, ऐसी बात नहीं है। उसे खाना परोस रहे लोगों से जवाब मिला, इसका नाम मीराबाई है। यह जिस भी देश में जाती है वहां अपने देश भारत के चावल ले जाती है। यह विदेश में जहां भी होती है भारत के ही चावल उबालकर खाती है। यहां भी ये चावल खुद ही अपने कमरे से उबालकर लाई है। ऐसा क्यों? राष्ट्रपति ने मीराबाई की ओर देखते हुए पूछा। महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने ही देश का अन्न खाती हूं। ओह, बहुत देशभक्त हो तुम। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ भारत में जाकर उस गांव के एक बार अवश्य दर्शन करूंगा, राष्ट्रपति बोले। महामहिम, इसके लिए मेरे गांव जाने की क्या जरूरत है? क्यों? मेरा गांव मेरे साथ है, मैं उसके दर्शन यहीं करा देती हूं। अच्छा, कराइए दर्शन, कहते हुए उस मूर्ख लड़की की बात पर हंस पड़े राष्ट्रपति। मीराबाई अपने साथ हैंडबैग में लिए हुई थी उसमें से उसने एक पोटली खोली, फिर उसे पहले खुद माथे पर लगाया, फिर राष्ट्रपति की ओर देख करते हुए बोली, यह रहा मेरा पावन गांव और महान देश। यह क्या है? राष्ट्रपति पोटली देखते हुए बोले, इसमें तो मिट्टी है। हाँ, यह मेरे गांव की पावन मिट्टी है, इसमें मेरे देश के देशभक्तों का लहू मिला हुआ है। सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद का लहू इस मिट्टी में मिला हुआ है।
इसलिए यह मिट्टी नहीं, मेरा संपूर्ण भारत है। ऐसी शिक्षा तुमने किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की है चानू? महामहिम, ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती। विश्वविद्यालय में तो मैकाले की शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा तो गुरु के चरणों में मिलती है। मुझे आर्य समाज में हवन करने वाले बाबा से यह शिक्षा मिली है। मैं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर सुनाती थी। उसी से मुझे देशभक्ति की प्रेरणा मिली। सत्यार्थ प्रकाश? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। चानू ने अपने हैंडबैग से सत्यार्थ प्रकाश की प्रति निकाली और राष्ट्रपति को थमा दी। आप रख लीजिए, मैं हवन करने वाले बाबा से और ले लूंगी। कल गोल्ड मेडल तुम्हें जीतोगी, राष्ट्रपति आगे बोले। मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे भगवान हनुमान ने पहाड़ अपने हाथों पर उठा लिया था, लेकिन कल यदि तुम्हारे मुकाबले हनुमान भी आ जाएं, तो अभी तुम ही जीतोगी, तुम्हारा भगवान भी हार जाएगा। राष्ट्रपति ने वह किताब एक अधिकारी को देते हुए फिर आदेश दिया, इस किताब को अनुसंधान के लिए भेज दो कि इसमें ऐसा क्या है जिसे पढ़ने के बाद इस लड़की में इतनी देशभक्ति उबाल मारने लगी। अपनी ही धरती के चावल लाकर हमारे सबसे बड़े होटल में उबाल कर खाने लगी। चानू चावल खा चुकी थी, उसमें एक चावल कहीं लगा रह गया तो राष्ट्रपति ने उसकी प्लेट से वह चावल का दाना उठाया और मुंह में डालकर चलते बने। बस मुंह से यही निकला, यकीनन कल का गोल्ड मेडल यही लड़की जीतेगी। देव भूमि का अन्न खाती है ये। और अगले दिन मीराबाई ने स्वर्ण पदक जीत ही लिया, लेकिन किसी को इस पर आश्चर्य नहीं था सिवाय भारत की जनता के। अमेरिका तो पहले ही जान चुका था कि वह जीतेगी। बीबीसी जीतने से पहले ही लीड खबर बना चुका था। जीतते ही बीबीसी पाठकों के सामने था, जबकि भारतीय मीडिया अभी तक लीड खबर आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद चानू ने 196 किलोग्राम, जिसमें 86 किलोग्राम स्नैच में तथा 110 किलोग्राम क्लीच एंड जर्क में था, का वजन उठाकर भारत को 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 48 किलोग्राम श्रेणी का राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण जीतने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 15 लाख रुपए की नगद धनराशि देने की घोषणा की। 2018 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के मंदिर को पक्का करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए गुरु दक्षिणा में दिए।